जय श्री कृष्णा। आज दीक्षित की दावत में आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी है, हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लाए हैं नारियल के लड्डू, जो आप कान्हा को भोग भी लगा सकते हैं और व्रत में खा भी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं नारियल के लड्डू। बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नारियल। ये हमने कच्चा गोला लिया है, जो आजकल बाज़ार में इन दिनों खूब मिल रहा है। इसे हमने इस तरीके से इसके छिलके हटा लिए हैं, छील के, और फिर हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जिसे हम पीस के, जैसे आप नारियल की चटनी बनाते हैं तो पीसते हैं, उस तरीके से इसे दूध में थोड़ा सा दूध लेकर दूध के साथ इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये सूखे नारियल का बुरादा है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो नारियल के लड्डू बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा कोटिंग हो जाती है तो वो सेट हो जाते हैं, इसके लिए बनाया है। और ये चीनी है एक कप, एक पौना कप और एक कप चीनी में चल जाता है। ये चार नारियल हैं, चार गोले लिए हैं हमने। ये थोड़े से बादाम की कटिंग और पिस्ता की कटिंग है, ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिएंगे। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लें वरना सिंपल लड्डू बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। और इसके अलावा हमें 4 किलो दूध, जैसे हमने 4 गोले लिए हैं तो हमें 4 लीटर दूध चाहिएगा, और अगर हम 2 नारियल के गोले लेते हैं तो हमें 2 लीटर दूध चाहिएगा। तो हमने ये दूध उबलने के लिए गैस पर रख दिया है, इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें नारियल का पेस्ट मिला देंगे, फिर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये उबाल आने वाला है, इतने हम नारियल को पीस लेते हैं। ये देखिए हमारे नारियल का, कच्चे नारियल का पेस्ट तैयार हो गया है। जैसे हम चटनी पीसते हैं ये उसी कंसिस्टेंसी का है। इसे आप दूध थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिए, अच्छा कहीं भी कोई टुकड़ा ना बचे, बस ये ध्यान रखिए, बचेगा तो हम निकाल देंगे। हम इसे ड्राई, जो नारियल का बुरादा आता है नारियल के लड्डू, उससे भी बन जाते हैं, पर इनका टेस्ट आप देखेंगे तो उससे बेटर होता है, क्योंकि उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल नहीं होता इतना, इसमें मिठास होती है। इसीलिए हमने 4 गोले में, आप देखिए, 1 कप चीनी, सिर्फ 1 कप चीनी डलेगी। 4 किलो दूध है हमारा, जो उबाल आ गया है, अब हम इसे नारियल के पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। इसमें बहुत कम चीनी डलती है, जो जिन लोगों को शुगर है वो भी ले सकते हैं कभी कभी। आपको नारियल की मिठास और दूध की मिठास दोनों की वजह से हम इस चीनी को, मतलब 1/3 कप भी कर सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, उससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाते हैं तो। और इसे पकाकर हम उबलने देंगे, और एकदम गाढ़ा जब मावा पक जाएगा, मावा बन जाएगा दूध से, इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच बीच में चलाते रहिए और अपने और काम भी कर सकते हैं। इनको आप लड्डुओं को 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। इसे आप बना के फ्रिज में रख दीजिए, और सर्व करने से 5 मिनट पहले भी आप निकालेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं, ऐसे टाइट होते नहीं हैं, इसलिए आप इन्हें वैसे भी काम में ले सकते हैं। अब ये उबाल आ जाएगा और बिल्कुल गाढ़ा जब हो जाएगा तब हम इसको लड्डू बनाएंगे। इसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। 1 से 1.5 घंटा हो गया है हमारा दूध और नारियल पककर इतना गाढ़ा हो गया है, आप देख रहे हैं जैसे कि मावा बन जाता है वैसा। अब हमारा चीनी मिलाने का इसमें टाइम हो गया है, तो हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी मिलाने के बाद करीब करीब 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे, 1.5 घंटा हमें हो गया इसे पकाते हुए। अगर आप जैसे 2 किलो दूध लेंगे तो 1.5-1.5 घंटे में पक जाएगा। ये 4 किलो दूध से बनाया है, 4 इसमें नारियल डाले हैं। अब चीनी मिलाने के बाद चीनी घुलेगी और थोड़ा ये और पतला हो जाएगा, फिर हमें इसी ही इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, लड्डू बनाने की पोजीशन में आ जाए। इतने हम अब चीनी डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि चीनी के साथ लगने का डर रहता है, कढ़ाई में लग नहीं जाए, इसलिए आप इसे कंटिन्यू चलाइए।
ये देखिए आप, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है एकदम, देखिए बिल्कुल। इससे आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, इसे थाली में ग्रीस करके घी से और जमा देंगे तो बर्फ़ी भी बन जाएगी। इसे आप कलरफुल भी बना सकते हैं, अगर कोई फूड कलर आप डाल लें, बच्चों को अगर पिंक कलर के लड्डू पसंद हो तो आप उसमें हल्का सा फूड कलर, लिक्विड फूड कलर मिलाकर और फिर रोल कर दीजिए तो बच्चों को पसंद आएगा, कलरफुल होगा तो। ये बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। ये तैयार हो गए हैं, अब हम गैस टर्न ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम रोल कर लेंगे, लड्डू बना लेंगे। ये आप देखिए इस तरीके से इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना टाइट। आप इसे कर लीजिए, सुखा लीजिए, बिल्कुल इसमें पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो, बिल्कुल सूख जाए एकदम ड्राई ड्राई सा, तब आप इसके लड्डू बनाइए। मिक्स ठंडा हो गया है, ये देखिए हाथ में लेने लायक। हमने थोड़ा सा बचा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, थोड़े से पिंक कलर के बनाएंगे, लाइट पिंक कलर के, दो तीन ड्रॉप आप कलर के डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे गहरा कलर करने चाहें तो दो बूंद और डाल सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स हो जाए। अब हम मिक्स से देखिए, ऐसे इस साइज के एक छोटे नींबू के साइज़ के आप लड्डू बना लीजिए। ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, बहुत प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से बनाइए। थोड़े से ड्राई नारियल के चूरे में इसको मिलाइए और इस तरीके से ये हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं, अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। ये हमने पिस्ता और बादाम की कटिंग ली हुई है, इससे आप गार्निश कर दीजिए। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें।